स्वागत है आप सभी का फेमस बॉलीवुड के इस चैनल में। तो भाई हमने देख लिया मूवी और आज हम करने वाले हैं ड्रीम गर्ल 2 का रिव्यू। कैसा लगा, कैसा नहीं लगा, आपको देखनी चाहिए या फिर नहीं देखनी चाहिए, फैमिली मूवी है नहीं है, जो भी सारे आपके सवाल हैं उनका जवाब देने के लिए मैं आ गया हूँ यहाँ पे। तो भाई सबसे पहले बात कर लेते हैं कि एक लॉजिकल पॉइंट मैं आपको बोल देता हूँ कि अगर आप मूवी को मेरे रेफरेंस से देखते हैं, जैसे कि मैं देखता हूँ या फिर कोई भी क्रिटिक देता है, तो एक लॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू होता है कि हाँ ये रियलिज्म पे फॉलो होता है या फिर ये वो चीज़, तो वो दिमाग को थोड़ा सा साइड में रख के जाइएगा। बिकॉज जो एक वो होती है ना पागलपंती, नौटंकीबाजी, तो वो ज्यादा है मूवी में। आपको हंसाएगी, जरूर हंसाएगी, फील गुड वाला वाइब होगा पूरी मूवी के टाइम आपके चेहरे पे। ऐसा नहीं लगेगा कि आप हंस रहे हैं जोर जोर से, मगर स्माइल जरूर बरकरार रहेगी यहाँ पे। तो जैसे कि मैंने बताया, अपना लॉजिकल दिमाग बाहर ले जाइए तो आपको चीजें ज्यादा अच्छे से समझ में आएंगी या फिर आप ज्यादा अच्छा एंजॉय कर पाएंगे। फटाफट से स्टोरी पे निकल जाते हैं। तो भाई पहला जो पार्ट आया था उससे और इस स्टोरी में कोई लेना देना नहीं है। जैसे कि मैंने बताया था, ये जो सीक्वल है इसमें कैरेक्टर जरूर सेम है, एक्टर सेम है, मगर जो स्टोरी है वो बहुत ज्यादा यहाँ पे डिफरेंट है। नॉर्मल सी बात है, अनु कपूर जो आयुष्मान खुराना के बाप का रोल वहां पे कर रहे हैं, क्रेडिट कार्ड का लोन बहुत ज्यादा हो जाता है उसके चक्कर में, पूरा का पूरी रामायण यहाँ पे गढ़ी जाती है उसके चक्कर में। आयुष्मान खुराना जो है वो पूजा बन जाते। अब ये जो पूजा बन जाते, ये इंटरेस्टिंग फैक्ट है क्योंकि एज इन थिएटर के बैकग्राउंड से अगर मैं आता हूँ तो उस हिसाब से देखूँ तो एक लड़का जब एक फेमिनाइन कैरेक्टर में जाता है तो थोड़े से चेंजेस होते हैं वहाँ पे, थोड़े से चैलेंजेस भी होते हैं कि आपको वो फेमिनाइन कैरेक्टर्स वहाँ पे दिखने चाहिए। अदा हो गई, बात करने का तरीका हो गया, उठने बैठने के तरीके हो गए, एक सोसाइटी में एक लड़की कैसे अपने आप को प्रेजेंट करती है उस चीज़ के तरीके हो गए। तो वहाँ पे आयुष्मान खुराना ने कोई भी कसर नहीं छोड़ी है, बहुत अच्छी तरीके से उस कैरेक्टर को पकड़ा है उन लोगों ने और वहाँ पे बहुत अच्छा दिखाया भी गया है। पहले तो ये लगा था कि पहले वाले पार्ट में सिर्फ आवाज़ थी, यहाँ पे पूरी की पूरी पूजा आ जाती है और उसके मेकअप से लेके, मेकअप की बहुत ज़्यादा तारीफ मैं करना चाहूँगा कि मेकअप बहुत अच्छा किया गया है उस पर, आयुष्मान खुराना कॉम्प्लीमेंट करते हैं। तो एक बार के लिए आपको थोड़ा ऐसे हैरान हो सकते हैं कि भाई ये आयुष्मान खुराना लड़का नहीं है, मतलब वो लड़की के तौर पे आपको देखने को वहां पे मिलेगा। हाँ, दूसरी एक नेगेटिव बात इसमें ये है कि भाई आपका दिमाग तो आपके पास रहेगा ऑब्वियसली, तो आपको पता चल जाएगा कि यार ये कितना भी मेकअप कर रहो लग तो थोड़ा बहुत लड़का ही रहा है। तो वो थोड़ा मैंने बताया ना पहले कि लॉजिकल दिमाग थोड़ा बाहर रखे आना, एज अ नौटंकी आप इसे देखेंगे तो मजा आएगा, ठीक है। बाकी एक्ट्रेस के बारे में बात कर लूं यहाँ पे, तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे विजय राज है, बहुत अच्छा काम इन्होंने करा है। परेश रावल है, टिपिकल वो जो 90s वाले वो कैरेक्टर निभाते थे ना थोड़ा, तो वो वाला थोड़ा कैरेक्टर आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे। अभिषेक है जिन्होंने शाहरुख का कैरेक्टर यहाँ पे प्ले करा है, बहुत अच्छा काम करा है। उसके बाद यहाँ पे सीमा पावा है, उनका काम भी बहुत अच्छा है। अनु कपूर का काम बहुत अच्छा है इसमें। राजपाल यादव थोड़े थोड़े कॉमिक टाइमिंग और उनके और परेश रावल के बीच में जो कॉमिक टाइमिंग है बहुत अच्छी तरह से बैठती है यहाँ पे। बाकी सारे एक्टर्स ने भी करा है। अनन्या पांडे के बारे में बात करूँ तो अनन्या पांडे थोड़ा इंक्रीज हुई है, मतलब थोड़ा थोड़ा अच्छी हुई है एक्टिंग में, गहराइयाँ लास्ट मूवी उनकी देखी थी उसके बाद से धीरे धीरे चेंजेस आए और ऊपर से ज्यादा सीन भी रही है, ये बहुत अच्छा काम करा है मेकर्स ने। ज्यादा सीन नहीं है क्योंकि नहीं बनता था उनका ज्यादा सीन जो है वो अनु कपूर और आयुष्मान खुराना के हैं क्योंकि उन्हीं के रिवॉल्व स्टोरी घूम रही है पूरी की पूरी, और बाकी जो अदर कैरेक्टर्स हैं वो एक चक्के की तरह काम करते हैं इसमें कि जो स्टोरी को आगे बढ़ाते हैं, है ना, एक व्हील होता है उसको स्टोरी को आगे बढ़ाने के लिए, वो बाकी कैरेक्टर्स का यहाँ पे काम है। ओवरऑल परफॉर्मेंस के बारे में बात करूं तो भाई आयुष्मान खुराना के फैन हो, कुछ नया देखने का मन है तो देख सकते हो, फैमिली के लिए देख सकते हैं नहीं देख सकते इस सवाल का जवाब मैं दे देता हूँ। ये है कि पहले वाली मूवी में एडल्ट कंटेंट इतना नहीं था, इस वाली में थोड़ा बहुत है, मगर राइटर्स ने जो करा है, राइटर्स ने बहुत लिमिटेशंस के साथ ये राइटिंग लिखी हुई है। कहीं कहीं पे आपको लगता है कि हाँ थोड़ा एडल्टहुड ज्यादा हो गया, बट वहीं पे रुक जाता है फिर वापस आ जाते हैं, तो वो थोड़ा एडल्ट पंचेस है यहाँ पे। तो फैमिली के साथ अगर आपकी फैमिली थोड़ी ओपन है तो देख सकते हैं, थोड़ी नहीं है तो मैं ये बोलूंगा कि नहीं देखें। दोस्तों के साथ देखने वाली मूवी, एकदम यारी दोस्त वाली, जो आजकल हमारी जनरेशन है उसके लिए बहुत अच्छी मूवी है। उसके बाद एंड में आ जाते हैं कि भाई मेरा सजेशन क्या है, मूवी देखनी चाहिए नहीं देखनी चाहिए। जैसे कि मैंने बता दिया, यारी दोस्तों के साथ हो तो आराम से जा सकते हो, मजा आएगा, फील गुड वाली वाइब है। फैमिली के साथ डिपेंड करता है आपकी फैमिली कैसी, थोड़ी ओपन माइंडेड है या फिर थोड़ी रिस्ट्रिक्टेड है, तो वो डिपेंड करता है, वो आप देख लीजिए, ठीक है। मेरे हिसाब से आप जा सकते हैं मूवी देखने क्योंकि बॉलीवुड में वैसे कंटेंट बहुत धीरे 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 करके बहुत कम होते जा रहे हैं जो अच्छा कंटेंट है, और जो अच्छा कंटेंट है उस पर हमें फोकस करना चाहिए। तो पहले भी मूवीज आई थी, अब धीरे धीरे मूवीज वैसी बन रही हैं जिसमें कंटेंट इज द किंग हम कह सकते हैं, तो मूवी देख सकते हैं। मेरे हिसाब से अगर मैं स्टार की बात करूं तो 5 में से 3.5 स्टार मैं दूंगा। थोड़े बहुत स्टार मूवी वाली बात है कि मूवी
मूवी में वो जो ग्रिप होनी चाहिए स्टोरी लाइन में, वो ग्रिप थोड़ी सी मिसिंग है जो पहले पार्ट में थी, यहाँ पे वो एक चीज़ है। और थोड़ा बहुत ये है कि जहाँ जहाँ पे थोड़े बहुत पंचेस डालने की कोशिश करी है वो उतने फूटे नहीं है जैसे कि फूटने चाहिए। तो यार ये था मेरा रिव्यू, होपफुली आपको रिव्यू पसंद आया हो। अगर रिव्यू पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा, और अगर मैं पसंद आता हूँ, हमारा चैनल पसंद आता है, तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और बस इतनी सी बात, मिलते हैं अगली वीडियो में।